हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बीराक में आई हुई पोजीशंस के बारे में, जहां फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड 2 से 3 तरह की वैकेंसीज आई हैं। तो उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करना है। यहां पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस अप्लीकेबल नहीं है, तो ये अच्छी और ख़ास बात है। और डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो आइए, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उसके बारे में डिटेल आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पोजीशन है ऑफिसर एडवांस स्टेज फंडिंग इक्विटी स्कीम, लेवल E1 बैंड 1, पोजीशन कोड है आपका स्पेशल SPED 01। यहाँ पे स्केल की बात करें तो 40,000 to 1,20,000 का आपका स्केल है। एंड यहाँ पे पर्क्स अलाउंस जो है आपका 35% है, एंड 24% आपको यहाँ पे HRA मिलेगा। जो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCOM और MCOM इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट माइक्रो फाइनेंस और अदर रिलेवेंट फील्ड, इसमें आपने अगर BCOM या MCOM किया हुआ है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो MBA NPG डिप्लोमा इन फाइनेंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है। एज जो बताया गया वो 30 ईयर्स यहां पे रखा गया है। और इस साइड आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है कि आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या काम करने हैं। नेक्स्ट, इसी में बात करें तो सीनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स की E4 कैटेगरी की वैकेंसी है। ये हाईली क्वालिफाइड या फिर कह सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, जहाँ पे बैंड रखा गया है 70,000 to 1,90,000। पर्क्स अलाउंस अभी के सेम होते हैं, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो लोअर ऑफिसर हो, तो यहाँ पे पर्क्स 35% एंड HRA 24% ही रखा गया है। देन यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि आपको वर्क प्रोफाइल में क्या मिलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। देन यहाँ पे नेसेसरी क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं MCOM फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड PG डिप्लोमा फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। PG डिप्लोमा में आपका PGDM और MA फाइनेंस भी कवर हो जाएगा। तो MCOM एंड यहाँ पे मेंशन है, तो आप MCOM के साथ अगर PG डिप्लोमा यानी PGDA PGDM और MBA फाइनेंस किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आउट ऑफ 10 ईयर 3 ईयर्स आपका जो एक्सपीरियंस हो सीनियर पोजिशन में फाइनेंस अकाउंट्स का होना चाहिए, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे CA मांगा गया है, CMA की कोई जिक्र नहीं है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो लिस्ट आने पे पता चलेगा कि CMA का सिलेक्शन हुआ या नहीं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 40 ईयर्स मांगा गया है एज। देन यहाँ पे थर्ड पोजीशन की बात करें तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में पोस्ट आई है एक और। यहाँ पे जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक है। पे स्केल 40,000 to 1,20,000 है। और यहाँ पे अगर बात करें हम पर्क्स एंड अलाउंस की तो वो सेम है, 35% एंड 24% HRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCOM फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस PG डिप्लोमा इन फाइनेंस, यानी BCOM के साथ अगर आप CA CMA या फिर आपने MBA फाइनेंस से किया हुआ है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CA की डिग्री है, आप BCOM ग्रेजुएट नहीं भी हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। CMA वाले ट्राई कर सकते हैं, मैं कन्फर्म नहीं बता सकता कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोजीशन के लिए। और यानी यहाँ पे BCOM भी था, आप MBA फाइनेंस है या PGDM फाइनेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप CA हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही केस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है आपका मैक्सिमम एज। देख सकते हैं, अभी आपको मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, पोस्ट कोड पोजीशन क्या क्या है, किसके लिए पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे आप SPED जो 01 है वहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जनरल के लिए है। और यहाँ पे जो अकाउंट ऑफिसर फाइनेंस अकाउंट्स की वैकेंसी है वो SC के लिए एक रिजर्व केस है। और ऑफिसर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे 2 रिजर्व फॉर OBC के लिए है। तो अगर आप यहाँ पे BCOM MCOM जो भी हैं जैसा मैंने बताया उस तरीके से, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को क्या करना है, जो फॉर्म है यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन प्रोफार्मा BIRAC 2 डॉक्यूमेंट 2 एंड BIRAC और डॉक्यूमेंट 3, इसको फॉर्म को फिलअप करना है, प्रिंट लेना है, आपको स्कैन करना है और आपको इस मेल पे सेंड कर देना है vacancy.birac@nic.in पे। आपको फॉर्मेट जो है हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सेंड नहीं करना है क्योंकि यहाँ मना किया गया है।
applications received by post and not on the prescribed format will not be considered. तो आपको ये फॉर्मेट लेना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें आपको पूरी आपकी एक्सपीरियंस जो है वो डिटेल आपको फिल करना है, उसके बाद आपको फॉरवर्ड कर देना है। सकते हैं ये पूरी डिटेल आपको एक्सेल सीट जो प्रोवाइड की गई है उसे डाउनलोड करके आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सेंड करना है। देन यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये वर्ड फाइल है, यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं और वर्ड फाइल को आप फिलअप करेंगे। परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोजिशन इन BIRAC है, ये सारी डिटेल आपको भरनी है यहाँ पे, लैंग्वेज, एजुकेशन, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट सैलरी, जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये सारी प्रेफरेंस देने के बाद आपको सिग्नेचर करने हैं, साइन करने हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप प्रिंट करिए, साइन करिए, स्कैन करना है और आपको ये मेल फॉरवर्ड कर देना है vacancy.birac@nic.in पे। तो ये सारी वैकेंसी थी की डिटेल थी और यहाँ पे लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 23 सितंबर है, यानी 23 सितंबर 2019 से पहले आपको ये मेल फॉरवर्ड कर देना है फुल डिटेल के साथ। आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है। सो ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, पोजीशन आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, 4 ईयर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। परफॉर्मेंस बेस पे आपको नेक्स्ट ट्वाइस इन 5 ईयर आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, देन आपको एवरी 10 ईयर्स टिल द, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता आपका यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन होता रहेगा। तो फर्स्ट जो है 4 साल के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।